Hi everyone, and welcome back to my channel called Zuzana Reacts, where I learn all things para, the way you help, and I just share my Slovak Central European point of view. And apparently recently there has been a Muslim country that allowed an Indian temple to be built, which apparently hasn't been met with a very kind of positive sentiment from maybe the more radical groups. And so in today's video, I wanted to explore how India is basically best friends with Muslim countries, and and see where we can get there together and understand what actually is happening. But before we jump into today's video, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. Okay, it's just one thing. For the video, it doesn't have English subtitles, so I just use the auto-generated one. So in case there is something that you might think I misunderstood or wrongly translated, do let me know in the comments. And with that being said, let's start. एक समय पर सऊदी जैसे अरब देश ऐसे काम के लिए जाने जाते थे। इसे सऊदी अरेबिया इज द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम। इट पॉइंट्स अ स्ट्रॉन्ग फिंगर टू सऊदी अरेबिया एंड द रोल दे प्लेड इन फंडिंग द 9/11 अटैक। द वर्ल्ड हैज अ राइट टू नो द रोल दैट सऊदी अरेबिया प्लेज इन फंडिंग टेररिज्म। हु फंड्स सो कॉल्ड टेररिज्म? अ रिपोर्ट इन द यूके पॉइंट्स टू सऊदी अरेबिया। दे प्रमोट अटैक्स ऑन सिंबल्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर लाइक कॉन्सर्ट्स एट मैनचेस्टर एंड द बाताक्लॉ थिएटर। जो देश एक समय पर पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे, आज उन देशों में कुछ और ही चल रहा है। योगा इज ऑन द राइज इन सऊदी अरेबिया। बैप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी इन यूएई इज अ ट्रेडिशनल हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप। साइट इज लोकेटेड एट अबू मुरेखा व्हिच इज नियर अल रैबा ऑफ द दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे। वेलकम योर होलीनेस इन द एमिरेट ऑफ फुजैरा। द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया सेड Women in the Islamic country do not have to wear head covers. In a break from tradition, Saudi Arabia is set to open its first liquor store. It has decided to restrict the volume of loudspeakers at mosques. और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश भारत के सबसे करीबी दोस्त बन गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रोक द प्रोटोकॉल बाय हगिंग द सऊदी क्राउन प्रिंस अपॉन हिज अराइवल। इंडियंस इन सऊदी अरेबिया हैड अ लार्ज पार्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सऊदी अरेबिया एंड वी कंसीडर देम टू बी अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। वी वॉच एंड टेक केयर ऑफ देम लाइक वी टेक केयर ऑफ आवर ओन सिटीजंस। सऊदी सिंगर्स भारत की शान में गाने गा रहे हैं। मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू ए वतन मेरे वतन। पाकिस्तान जो इन देशों को अपना माई बाप मानता है, तो पाकिस्तान के माई बाप भारत माता की शान में गाने गा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इस समय पाकिस्तानियों की छाती पे कितने सांप लौट रहे हैं। वतन वतन हुबक यजरी फी उरूगी। तो ये कायापलट कैसे हुई, भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक समय था जब अरब देशों का और भारत का रिश्ता जेठालाल और अय्यर के रिश्ते जैसा था। सऊदी अरेबिया जैसे देश दुनिया भर में और खासकर इंडिया में अपनी वहाबिज्म और सलाफिज्म की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करते थे। वहाबिज्म और सलाफिज्म बहुत एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजीज हैं, जो शरिया की और इस्लाम की बिल्कुल स्ट्रिक्ट और लिटरल इंटरप्रिटेशन में विश्वास रखते हैं, और ये आइडियोलॉजीज नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत नफरत सिखाते हैं। अरब देशों के पास बहुत सारा तेल था और उस तेल की वजह से उनको कभी कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ा, पैसा ही पैसा था, और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर में खासकर एशिया में और इंडिया में वहाबिज्म और सलाफिज्म जैसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को एक्सपोर्ट करने में लगाया, और कभी कभी तो सीधा आतंकवाद को ही। मेनी ऑफ दीस प्रीच एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर, दे प्रमोट अटैक्स ऑन सिंबल्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर लाइक कॉन्सर्ट्स एट मैनचेस्टर। द अमेरिकन पीपल, द अमेरिकन सिटीजंस, द वर्ल्ड हैज अ राइट टू नो द रोल दैट सऊदी अरेबिया प्लेज इन फंडिंग टेररिज्म। अ रिपोर्ट इन द यूके पॉइंट्स टू सऊदी अरेबिया and Theresa May's government under pressure. These links to Tehran knew the 9/11 terror attacks in the US was the time when the world woke up to Saudi Arabia's links to terror, and 20 years on, this country continues to be covertly and overtly supporting terrorists. एक समय पर उनका मानना था कि भैया तेल का पैसा तो कहीं जाने नहीं वाला, उसके ऊपर से
इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को फैलाकर और आतंकवाद को सपोर्ट देकर वो पड़ोसी देशों में, भारत में, मुसलमान पॉपुलेशन में इस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस और दबदबा बनाकर रखेंगे। और इंडिया में इसका इफेक्ट देखिए, 2011 और 2013 के बीच में 25,000 वहाबी प्रीचर्स इंडिया आए थे और 1700 करोड़ इंडिया के मदरसों और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट किया गया था। एक आईबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंडिपेंडेंस के समय पर सिर्फ 88 मदरसे थे, जो कि 2006 में बढ़कर 5 लाख हो गए थे। इसमें 30 लाख बच्चे पढ़ते थे और नियरली 14 बिलियन इसमें अरब देशों ने इन्वेस्ट किए थे। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ पिछले 20 सालों में सऊदी अरेबिया अकेले ने नियरली 90 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं वहाबी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। इतना पैसा आकर इंडिया में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने में लगा, लेकिन स्कूल हॉस्पिटल वाले जो क्राउड है, जो बोलते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि इस 1700 करोड़ रुपए से मदरसों की जगह, मस्जिदों की जगह स्कूल और हॉस्पिटल बनवा दिए जाते। 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए मस्जिद और मदरसे बनवाने में, और ये मॉस्क और मदरसे जो इन अरब देशों ने फंड किए, आप देखिए उनमें क्या सिखाया जाता है। आप दे रहे हैं लाखों की तालीम बच्चों को अपने मदरसे में? मदरसे में देते हैं ना, लाजिम दे रहे हैं बच्चों को। पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, खिलाफत बोले तो बहुत मुश्किल आ गया। हिंदी लोग बोलते हैं, इंडिया में खिलाफत बोला है तो ऐसी तैयार किताब नहीं होता है। किताब पूरा देखो तो ऐसा पूरा ऐसा पूरा खिलाफत का किताब के लिए बेसमेंट है, पहले बेसमेंट मतलब अच्छा लोग का ऐसा नहीं, फिर ऊपर ऊपर खाने में थे खिलाफत का सुन सकते हैं। इन सब की फंडिंग हवाला से अरब देशों से आया करती थी। इनफैक्ट कश्मीर में भी 90s में जो टेररिज्म का सर्ज हुआ था, उसमें भी काफी सारी फंडिंग गल्फ कंट्री से आई थी। काफी सारे रेडिकल आउटफिट्स जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे या उनके टेररिस्ट आउटफिट से लिंकेजेस थे, उनको भी अरब देशों से फंडिंग आई है। जाकिर नायक जैसे हेट प्रीचर्स, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि उसको अपने देश में बुलाकर अवार्ड भी दिया गया है। सब क्या देखना पड़ रहा है? इनफैक्ट एक समय पर ये देश इतनी आतंकवाद को फंडिंग देते थे कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश भी बोल रहा था कि यार सऊदी अरेबिया कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है। बताइए, पाकिस्तान जैसा देश आतंकवाद के बारे में कंप्लेन कर रहा है? ये तो वही बात हो गई कि एनिमे के सुपर फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि एनिमे में जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ ज्यादा ही सेक्सी बनाया जा रहा है, थोड़ा कम सेक्सी करो इनको। लेकिन आजकल हालात उस समय से बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं। वही सऊदी और यूएई जो इंडिया में मदरसे बनवाता था, मस्जिद बनवाता था और एक्सट्रीमिज्म को फैलाता था, वो आज देखिए क्या कर रहा है। नॉट जस्ट एनी टेंपल, द बिगेस्ट वन इन द कंट्री, द बीएपीएस हिंदू मंदिर इन अबू धाबी, अ सिंबल ऑफ हार्मनी बिटवीन टू सिविलाइजेशंस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज। द सिटी ऑफ मक्का इन सऊदी अरेबिया होस्टेड द सेकंड ओपन योगा आसन चैंपियनशिप। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अल वेदा सऊदी क्लब। सऊदी अरेबिया इज सेट टू introduce yoga in major universities across the country. Major universities in Saudi Arabia to support and promote yoga over the next few months. इतना तो हमारे नीतीश कुमार नहीं पलटते जितना ये लोग पलट गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 14 फरवरी को मोदी जी यूएई जा रहे हैं, यूएई के एक सबसे बड़े और भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई 10 साल पहले ये आपको बोलता कि एक मुस्लिम देश में एक विशालकाय भव्य हिंदू मंदिर बनने जा रहा है जिसका मोदी जी जाकर उद्घाटन करेंगे, तो वो इंसान आपसे बोलता कि भैया इतना चरस फूकना अच्छी बात नहीं है, जरा मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाओ। और यार 10 साल पहले यूएई में तो छोड़ो, भारत में ही मंदिर बनना मुश्किल था। बात तो सही है। और यूएई में तो ये सब हो रहा है, सऊदी अरेबिया में देखिए उनके स्कूलों में रामायण और महाभारत सिखाई जाएगी। रामायण एंड महाभारत, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स फ्रॉम इंडिया, विल सून बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ सऊदी अरेबिया। दिस डिसीजन हैज बीन टेकन अंडर द विजन 2030 इनिशिएटिव ऑफ द सऊदी क्राउन प्रिंस। हाल ही में सऊदी अरेबिया में इंडिया की मिनिस्टर स्मृति ईरानी गई थी, जो इस्लाम के बहुत ही पावन शहर मदीना में गई थी, और ना सिर्फ एक नॉन मुस्लिम को मदीना में जाने दिया गया बल्कि उन्होंने अपना सर भी नहीं कवर किया। Indian Union Minister Smriti Irani led a delegation to Medina, Saudi Arabia over the weekend. The official statement from the Government of India highlighted warm ties between India and Saudi Arabia, expressing gratitude for the Ministry of Hajj and Umrah's gesture in facilitating the Indian delegation's visit to Medina. Ek samay par jab Saudi Arabia record Pakistaniyon ko jail mein dal raha hai aur execute kar raha hai, us samay par Bharat aur Saudi ke beech strategic relations ko aur mazboot karne ke liye Saudi Arabia ne Bharatiya nagrikon ko police clearance certificate jama karne ki aavashyakta se mukti dene ka faisla kiya hai. Aur bhi Saudi Arabia ke jo raja hai Mohammed bin Salman, unke bade bade changes dekhiye. 2 days ago Mohammed bin Salman had ordered the Ministry of Islamic
Islamic Affairs in Saudi Arabia to publish orders that all mosques in the kingdom would be banned from broadcasting Ramadan prayers on, quote, all media outlets in all forms. The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to decide what type of decent and respectful attire she chooses to wear. In fact, wow. Muhammad bin Salman to chahte hai ke Arab. Can I just say, this is very progressive. Wow. Arab deshon mein European style ka renaissance aaye. Ana a'taqid in Europa al-jadida hiya sharq al-awsat. إذا نجحنا في الخمسينات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. इस समय पर सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देश ग्रो और डेवलप करने चाहते हैं, इसीलिए सऊदी अरेबिया दूसरे बढ़ते हुए डेवलप करते हुए देशों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है और इस तरह के देशों का प्राइम एग्जांपल है भारत। They really want to grow by association. So if they see India as nice and progressive, it's a good advertising strategy. तो कल्चरल लिंकेजेस के अलावा भी अरब देशों और भारत के बीच में और भी बड़े बड़े पार्टनरशिप्स हो रहे हैं। भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन की गई है। इस सीपा अग्रीमेंट के अंदर ट्रेड, एनवायरनमेंट, एनर्जी, कल्चर, बहुत सारे एरियाज में भारत और यूएई कोलैबोरेट करेंगे। यूएई और सऊदी जैसी कंट्रीज जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर का इनक्रेडिबल टूरिज्म पोटेंशियल देख रहे हैं। इन देशों से टोटल 33 कंपनीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया है, जैसे अल हशेमी ग्रुप, Emirates Royal International Group और Al Tayyar Group. ये companies बहुत serious है जम्मू कश्मीर को एक economic powerhouse बनाने के लिए। और सऊदी की तरह ही 2022 में UAE ने भी Indians के लिए work visa मिलना काफी आसान कर दिया। 2022-2023 में इंडिया और UAE के बीच में $85 billion का ट्रेड हुआ है, जो अभी तक का हाईएस्ट फिगर है। UAE और इंडिया के बीच में एक और बड़ा इकोनॉमिक कोलेबोरेशन हो रहा है जिसमें मुंबई से दुबई तक एक अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। सिर्फ इस अकेले प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अपेरेंटली $1 trillion है। यूएई की एक पोर्ट कंपनी गुजरात में एक पोर्ट सिटी डेवलप करना चाहती है। यूएई बेस्ड लुलू ग्रुप अहमदाबाद में इंडिया का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। इन देशों की कई रिटेल कंपनीज ने भी गुजरात में 3,000 crore का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इनफैक्ट सिर्फ यूएई और सऊदी के साथ ही नहीं, ओमान जैसे अरब देशों के साथ भी इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत बढ़ रही है। ओमान रफली 2,500 crore इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके साथ साथ भारत भी ओमान, इजिप्ट, सूडान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। 2022 में 450 इंडियन कंपनीज ने अपने आप को इजिप्ट में रजिस्टर करवाया है। और शायद आपने अरब कंट्रीज और इंडिया के बीच का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया को गल्फ कंट्रीज और इसराइल के थ्रू डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट करवाएगा। ये चाइना की बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका एक राइवल कॉरिडोर है, जिसका प्लान है कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंप्लीट अल्टरनेटिव डेवलप किया जाए। ये कॉरिडोर इंडिया से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से होते हुए डायरेक्टली यूरोप में जाएगा। और ये कॉरिडोर अगर सक्सेसफुल होता है तो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। व्हाट विल दिस कॉरिडोर इंक्लूड? वेल, इट विल हैव अ रेलवे लाइन, अ शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स, अ हाइड्रोजन पाइपलाइन and high density optical fiber cables. और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इसकी सक्सेस से इंडिया को बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक विंडफॉल होने वाला है। अब आप देखिए, जब भी इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो कुछ लोगों को बहुत पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों के बहुत मेल्टडाउन्स होते हैं। और अरब मुसलमानों को भारत के काफिरों से दोस्ती करते हुए देख भारत और पाकिस्तान के अरब कॉस्प्लेयर्स का बहुत दिल जल रहा है। एक के ऊपर एक आप देख सकते हैं कि मेल्टडाउन हो रहे हैं, जिसमें इनसे सहा ही नहीं जा रहा। ये जो अरब देश है जिनको भारत और पाकिस्तान के मुसलमान अपना माई बाप मानते हैं, वो भारत जैसे काफिरों से क्यों इतनी दोस्ती कर रहे हैं? कितने बुरे दिन आ गए हैं सऊदी अरेबिया के। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया को गलत मुस्लिम बोल रहे हैं, झूठा मुस्लिम बोल रहे हैं, मुनाफिक बोल रहे हैं, मुशरिक बोल रहे हैं। We get to the charity, don't give donations to the Muslims. Some of the Saudis responded and said yes, because we have official channels of Ihsan and the like. Behind these rules that sound sane are more sinister intentions.
When bin Salman reduced the hours spent on Islamic education, he didn't say because I want to reduce Islam in the country. He said I want to promote critical thinking. Ek kahawat shayad aapne suni hogi. Chai se jyada ketli garam. Ye log jo hai na, ye us kahawat ka best example hai. Inke hisab se Makkah Madina ke Muslim, jahan Islam paida hua, jahan Islam ke paigambar ne apni puri zindagi nikali, wo Musalman nakli hain aur Lucknow, Tiruvananthapuram aur Karachi ke Musalman asli Musalman hain. Inko dekh ke na kasam se South Delhi ki Lavanya ki yaad aati hai. जो 2016 में ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद साउथ दिल्ली और गुड़गांव में परेड निकाल रही थी हैशटैग नॉट माय प्रेसिडेंट का, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगा रही थी मैडम. ये वो मैडम है जो अमेरिकन से भी ज्यादा अमेरिकन है, उसी तरह से ये वो मुसलमान है जो सऊदी के मुसलमान से भी बड़े मुसलमान है. तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि भाई ये चेंज अरब मुस्लिम्स में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है. देखिए, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट are certain to miss the future. देखिए, अरब देश भी देख रहे हैं कि जो इनके तेल के दम पर इकोनॉमीज चलती रही हैं इतने सालों से, जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसे ही चलती रहे. आज पूरी दुनिया ऑयल के अल्टरनेटिव्स डेवलप कर रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. मार्केट फोरकास्ट ये प्रोजेक्ट करते हैं कि 2024 और 2028 के बीच में ऑलमोस्ट 20% से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ होगी, जिसमें सिर्फ अमेरिका में $160 बिलियन का मार्केट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल न्यू कार सेल्स बन जाएंगे, जो कि 2021 में सिर्फ 3.4% थे. टोयोटा और वोल्वो जैसी कई बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ये वादा भी किया है कि वो गैसोलीन कंज्यूम करने वाली व्हीकल्स ही बनाना बंद करेंगे और 100% सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे. इंडिया जैसे देशों को भी अगर आप देखिए तो वो भी एक बहुत बड़ा पुश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने में, ताकि उनकी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो. अरब देशों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हमको अपनी करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, अगर हमको अगला पाकिस्तान नहीं बनना, अगर हमको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचाकर रखनी है और आगे भी ग्रो करते रहना है, तो हमको भी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी. और अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें दूसरे देशों के साथ काम करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेगी, दूसरे देशों के कल्चर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा. और इसलिए अपनी सोसाइटी को थोड़ा रिफॉर्म करना जरूरी है. इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं रख सकते अपनी सोसाइटीज में. यूएई ने अनाउंस किया है कि वो अपनी इकोनॉमी पर ऑयल डिपेंडेंसी कम करेंगे और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं. इसके लिए यूएई 6 नए इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप कर रहा है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपना विजन क्लियर कर चुके हैं. उन्होंने तो कहा है कि वो अरब देशों को दुनिया का नया यूरोप बनाना चाहते हैं. उन्होंने एक सऊदी अरेबिया की 2030 विजन डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर की है, जो कहती है कि वो सऊदी अरेबिया को 2030 में एक वाइब्रेंट और इवॉल्व्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जिसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल एंगेजमेंट को एनकरेज किया जाए. और ये सारी चीजें बिना सोसाइटल रिफॉर्म के नहीं होंगी. कट्टर इस्लामिज्म सोसाइटी को पाकिस्तान बना देता है. मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि अगर आप यूरोप और अमेरिका से कम्पीट करना चाहते हैं, उनसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी सोसाइटी में इस्लामिज्म को कम करना पड़ेगा और सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा. ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान की वजह से नॉन ऑयल रेवेन्यूज ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं. इन देशों ने भी रियलाइज किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना बेसिकली अपने पैसे को गड्ढे में फेंकने के बराबर हो गया. अब कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है नहीं. जिस तरह से आपने 2021 और 2022 में क्रिप्टो करेंसी और NFTs में अपने पिताजी के पैसे डालकर बर्बाद किए हैं, उसी तरह से सऊदी अरेबिया और यूएई भी रियलाइज कर रहा है कि भाई हम अपने पैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने में डालकर बर्बादी कर रहे हैं. और ये देश इतना सीरियस है अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए और अपनी सोसाइटीज को रिफॉर्म करने के लिए कि ये इजराइल के साथ भी ट्रेड करने को तैयार है. आप तो जानते ही हैं कि इस्लामिक देशों का इजराइल के बारे में कैसा ओपिनियन है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. लेकिन आजकल अरब देश इसराइल के साथ ट्रेड करने को भी तैयार है. इनफैक्ट यूएसए की मदद से यूएई और इसराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन किए गए थे, जिसमें दोनों देशों ने फ्री ट्रेड पैक्ट भी साइन किया है, जिसमें 96% गुड्स जिनकी ट्रेडिंग होती है दोनों कंट्रीज के बीच में उनपे टैक्सेस टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है और कुछ पे तो पूरी तरह से हटा भी दिया गया है. इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ईलाई कोहेन तो ये दावा भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे और भी अरब कंट्रीज के साथ इसराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने वाला है. और देखिए, इंडिया और अरब देशों के बीच में, खासकर इंडिया और सऊदी और यूएई के बीच में जो इतने क्लोज रिलेशंस बन रहे हैं, उसके लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी को दाद देनी बहुत जरूरी है. 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है अरब देशों के साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. We are very happy to have a strong relationship with our friendly country
India. Also for a long time we have this relation, and we have been asked to bring this relationship to the highest level that we can. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. Modi ne 5 baar UAE ka daura kiya hai aur wo Bahrain jaane wale pehle Indian Prime Minister bane. I would certainly agree. I would say that the relationship between the Kingdom and India, the last 5 years especially, has grown exponentially. Part of that is the very strong relationship between Prime Minister Modi and the Crown Prince. Prime Minister Modi ye jante hain ki na sirf Arab desh rich desh hain lekin wo Bharat mein invest karne ka bhi ek bahut bada source hai. Arab deshon mein Bharatiya diaspora bahut bada hai. Is diaspora ke karan Bharat mein remittances bhi bahut high aate hain. Inward foreign remittances to India grew 26% in the last financial year to $112.5 billion. Aur Bharat ki is diplomatic koshishon ki wajah se in deshon ki jo Pakistan policy hai wo bhi change hui hai. Jab bhi Saudi king pehle India aaya karte the to hamesha Pakistan mein bhi ruka karte the, lekin jab pichli baar wo Bharat aaye to Pakistan mein nahi ruke. Ab uske piche ye karan bhi ho sakta hai ki भैया ये जब भी पाकिस्तान जाते थे तो प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाते थे. हो सकता है कि वो इस कटोरे वाली हरकत से परेशान हो गए हो. इनफैक्ट सऊदी अब इंडिया के साथ जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइजेस भी कर रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद भी कम करने को बोल रहा है. The relations between Pakistan and Saudi Arabia have always been in good terms. However, in recent years their ties have experienced strains. तो क्रेडिट टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने देखा कि अरब देशों में खासकर सऊदी यूएई में हवा किस तरफ बह रही है. मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के मोहम्मद बिन जायद अपने देशों को रिफॉर्म करना चाहते हैं. इस बात को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और इन दोनों देशों से करीबी और पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. इस रिश्ते का ना सिर्फ इकोनॉमिक फायदा होगा लेकिन कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आतंकवाद को फंडिंग भी कम मिलेगी. और शायद कुछ समय के बाद इंडियन मुस्लिम्स भी देखेंगे कि यार जिनको हम अपना माई बाप मानते हैं वो इतना रिफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्यों भारत में 7वीं शताब्दी में रह रहे हैं. शायद वो भी इंडियन सिविलाइजेशन को अपना सिविलाइजेशन माने. शायद वो भी अपने कल्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश करें जिस तरह से सऊदी अपने कल्चर को रिफॉर्म कर रहा है. इससे इंडिया को पॉलिटिकल ही नहीं लेकिन कल्चरल भी बहुत फायदा होगा. जैसे जैसे इंडिया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली ताकतवर बन रहा है उसका सऊदी और यूएई जैसे पावरफुल मुस्लिम एलाइज होने से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी. भिखारिस्तान और इंडिया के जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं जो इस्लामोफोबिया के एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया के ऊपर वो एलिगेशंस भी कमजोर पड़ेंगे. तो फाइनली सवाल उठता है कि भाई आगे जाते हुए अरब देशों और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं. देखिए मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी यही रहती है तो ये रिलेशंस काफी इंप्रूव होंगे. इकोनॉमिक सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत सारी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज है. भारत और अरब देश ये सब लोग इस समय अपना सारा फोकस डेवलपमेंट और ग्रोथ पर रखा हुआ है. किसी भी देश के पास इस्लामिज्म के लिए टाइम नहीं है. तो अगर यही ट्रेजेक्टरी चलती रही तो मेरे हिसाब से भारत और अरब देशों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होती ही रहेगी और इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके हिसाब से अगले 10 सालों में इंडिया और अरब देशों के बीच की रिलेशनशिप कैसे डिवेलप होगी. आप कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं इस रिलेशनशिप. Very interesting video. For me, it was like so much new information that I'm almost not too sure what to make out of that. But it feels like these countries are reforming themselves in order to compete with other economies. And I'm just thinking, well, will this maybe weaken the influence of Islam around the world? What do you guys think? I'm actually very, very curious because it feels like they're starting to realize that extremism is perhaps not the way and funding that is not the way. Yeah, I mean, I wasn't aware of that at all. So for me, that came with like an added shock that Saudi and UAE are actually progressive in there. And every time I watch these videos, to me, it just still feels like the world that you live in is just so very different to the world that where I'm living. And I don't think that I'm so present with the whole Muslim question. And, you know, the people that I know that are Muslims are really nice people. Nothing bad I could say about them at all. So I feel like for me, it's, and I guess what I'm referring to is the comments that you most often make. It's definitely
tricky for me to grasp that concept because I personally don't have any bad experiences. Obviously, we know extremist groups, but extremists are extremists, right? Like they can form within any, I guess, ideology. Unfortunately, it does feel like the Muslim religions has more of them than perhaps any other one. Do you reckon that, I would be actually curious, you know, from where you're sitting, like, do you reckon that these relationships and the way those countries are forming, it will impact Pakistan maybe in a positive way, and they will want to rebuild the relationship with India? I saw in another video that some Pakistani are calling for Modi's leadership. So I'd just be very curious about your thoughts on this subject in the comments below. And with that being said, thank you so much for watching this video with me. If you did enjoy, please give a thumbs up, show, like, and subscribe to this channel, and I'll see you next one. Until then, please do take care. I'm sending much, much love. Bye-bye.